नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पांडुलिपि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने की चर्चा। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से स्कूल के सभी छात्र एवं छात्राओं जुड़े। शासकीय एलबीएस उत्कृष्ट सीएम राइज विद्यालय छात्र रहे उपस्थित। खबर मध्य प्रदेश के जिला पांडुरना में प्रधानमंत्री के माध्यम से आज परीक्षा पे चर्चा के विषय को लेकर जिला पांडुरना के शासकीय एलबीएस उत्कृष्ट सीएम राइज विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी उपस्थित होकर परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम देखा एवं सुना। इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में पंडाल लगाकर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से स्कूल के समस्त छात्र और छात्राओं को कार्यक्रम में सम्मिलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा संवाद के लाइव कार्यक्रम को सभी छात्र छात्राओं को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री एवं अन्य छात्र छात्राओं में हो रही चर्चा को एलसीडी पर लाइव देखकर एवं ज्ञानवर्धक बातें सुनकर विद्यार्थी रोमांचित भी हुए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। बच्चों से पूछे गए प्रश्नों पर बच्चों ने कहा कि हमारे जीवन में ये पहली बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि हम हमारे प्रधानमंत्री को हमारे जैसे बच्चों के साथ बातचीत करते हुए सुन पाए। कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के अलावा भाजपा पांडुरना जिला अध्यक्ष श्रीमती वैशाली महाले, नेता प्रतिपक्ष महेंद्र घोड़े, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सुनंदा डोंगरे, साथ ही कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। अतः विद्यालय के प्राचार्य चंद्रशेखर बरेठ द्वारा सभी पालक एवं जनप्रतिनिधि राजनेताओं का आभार प्रकट किया गया। जिला पांडुरना ब्यूरो चीफ विजय पुरी की रिपोर्ट। मेरा नाम अदिति तन्मय है और मैं द मिलेनियम स्कूल पानीपत हरियाणा की कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि मैंने ह्यूमैनिटीज को अपने विषय के रूप में चुना है और लोग रोज मुझ पर ताने कसते हैं। मुझे यह विषय पसंद है इसलिए मैंने इसे चुना है, पर कभी कभी तानों को संभालना मुश्किल हो जाता है। इन्हें कैसे संभाले और कैसे नजरअंदाज करें, मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमान, नमस्कार। थैंक यू अदिति। मधुमिता और अदिति तथा इन जैसे कुछ विद्यार्थी जीवन में करियर के चयन में दबाव अनुभव करते हैं। सर, एक विशेष करियर या स्ट्रीम चुनने की मानसिकता के दबाव की समस्या का कैसे समाधान करें? मुझे नहीं लगता है कि आप स्वयं कंफ्यूज हैं, आप स्वयं उलझन में है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हकीकत यह है कि आपको अपने पर भरोसा नहीं है, आपका अपने सोचने के संबंध में दुविधा है और इसलिए आप 50 लोगों को पूछते रहते हैं, क्या लगता है ये करूंगा, क्या लगेगा ये करूंगा। आप खुद को जानते नहीं है और उसके कारण आप किसी के एडवाइस पर डिपेंडेंट रहते हो और जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगता है आपको और जो एडवाइज आपको सबसे सरल लगती है आप उसी को एडॉप्ट कर लेते हो। अब जैसे मैंने कहा कि खेलो, अब बहुत कुछ होंगे जो आजकल बहुत बात लेकर के घर जाएंगे। मोदी जी ने कहा है खेलो। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तेरस सुथार, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोंदवा राजसमंद राजस्थान से हूँ। मैं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हूं। मेरा प्रश्न यह है कि व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य। कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। आपका शरीर देख करके लगता है मुझे आपने सही सवाल पूछा है। और आपकी ये चिंता भी सही होगी।